स्पीकर से बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात हुई। प्रवीण दारेकर, सुधीर मुनगंटीवार ने मुलाकात की है डिप्टी स्पीकर से। विधायकों की सुरक्षा की मांग की गई है। हालांकि कोर्ट ने भी कह दिया है कि सुरक्षा तो देनी पड़ेगी, वाइपला सिक्योरिटी केंद्र की तरफ से मुहैया कराई गई है। इसके साथ ही सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। निष्पक्ष मतदान की व्यवस्था की अपील भी बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर से की है। आदरणीय प्रवीण दरेकर जी के साथ हमने विधान भवन के सचिव श्री राजेंद्र भागवत जी और हमारे उपाध्यक्ष महाराज श्री नरहरी झिरवल जी से भेंट की। कल जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। कुछ विधायक ऐसे हैं जो बीमार है, आरोग्य की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा, सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में हमने कहा। यहाँ पर कोई यहाँ धमकी देने वाले जो पार्टियाँ हैं, जिन्होंने धमकी दी है, उस बारे में गंभीरता लेकर सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में हमने कहा है। और माननीय उपाध्यक्ष जी ने और विधान भवन के सचिव महोदय श्री भागवत जी ने सारी सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से की जाएगी, ये प्रवीण दरेकर जी और हमको विश्वास दिया है। और बाकी भी व्यवस्थाओं में इस जनतंत्र के मंदिर में कोई भी दुष्ट बुद्धि से इस जनतंत्र की तरफ गलत नज़र से नहीं देख पाएगा, कोई भी हमलावर जनतंत्र पे हमला नहीं कर पाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के आदेश के बाद अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। शिवसेना ने सीधे सीधे राज्यपाल पर हमला बोल दिया। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील तो की है, लेकिन साथ ही राज्यपाल पर पक्षपातपूर्ण फैसला लेने का आरोप भी लगा दिया। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने सीधे सीधे से बीजेपी को फायदा दिलाने वाला फैसला बताया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को कल शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में बहुमत साबित करने के आदेश दिए हैं। MLA जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार के अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा।